नमस्कार, दिनेश पाराशर के साथ मैं आशीष शर्मा ब्रह्म पुष्कर न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तीर्थ नगरी पुष्कर भाजपा ओबीसी मोर्चा ने महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती मनाई। ओबीसी मोर्चा अजमेर जिला अध्यक्ष पूर्व प्रधान अशोक सिंह रावत के निर्देशानुसार पुष्कर भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष मनीष सोनी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती मनाई और जयंती मनाकर महात्मा ज्योतिबा फूले की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही पुष्कर में गायों को हरा चारा खिलाकर महात्मा ज्योतिबा फूले की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बहुत कुछ बताया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। दौरान भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष मनीष सोनी, अशोक चांदावत, भवानी सेन, कैलाश कुमार, सुनील जांगिड़, बालकिशन, ललित राका कार्यक्रम रखा गया। आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा पुष्कर में महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती मनाई गई। वह मेला ग्राउंड के सामने गांव का शुभारंभ किया गया। वह गायों को हरा चारा खिलाया गया और महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जीवन के बारे में बताया गया, जिसमें उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए, वह बाल विवाह के रोक के लिए और दलितों के लिए अत्याचार विरोधों के खिलाफ उन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित किया और युवाओं को ये प्रेरित किया कि उनके बताए गए